नमस्कार, मैं नीलम पारिक बीकानेर से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ अशोक सक्सेना जी का और देवेंद्र जोशी जी का। मेरी सबसे पहली रचना जो आपके सम्मुख है वो मेरे पहले और एकमात्र काव्य संग्रह कहाँ है मेरा आकाश से है, और ये उसकी शीर्षक कविता। माँ तू तो कहती थी बेटियाँ तो होती है चिड़िया, माँ तू तो कहती थी बेटियां तो होती है चिड़िया, उड़ जाती है एक दिन, पर माँ चिड़िया तो उड़ती है खुले आकाश में, पर माँ चिड़िया तो उड़ती है खुले आकाश में, मैं चिड़िया हूं तो कहाँ है मेरा आकाश। शुरुआत माँ की कविता से हुई है, तो मैं माँ के लिए जो लिखा वैसे भी बेटी के मन से निकलता है, तो मुझे अपनी माँ पर लिखी दूसरी कविता जो मेरी अपनी काफी फेवरेट है। माँ, माँ के पास कहाँ था वक्त, माँ के पास कहाँ था वक्त, बिठाती अपने पास, पकड़ती मेरा हाथ, लिखवाती अक्षर अक्षर, रटाती गिनती पहाड़े, माँ ने तो सिखाया चक्की चलाते चलाते पढ़ना, माँ ने तो सिखाया चक्की चलाते चलाते पढ़ना, आटा गूंधते गूंधते शब्दों को गूंथ गूंथ कर करना वाक्य विन्यास, चूल्हे पर रोटियों के साथ साथ कड़े वक्त की आंच पर करना को नवसृजन, कहीं भी आते जाते ऊन के गोलों और सलाई के साथ सपनों को बुनना, कहीं भी आते जाते ऊन के गोलों और सलाई के साथ सपनों को बुनना, गर्म नरमाहट भरे सपने, कैंची और सुई से फटे उधड़े को सिलते हुए सिखाया माँ ने जतन से जोड़े रखना रिश्तों को, धीमे धीमे स्वर में सुना के लोरी तो कभी कोई कहानी, सिखाया धीरज से सुनना समझना, माँ के पास कहाँ था वक्त, माँ के पास कहाँ था वक्त, सिखाने को समझाने को बैठा कर गोद में अपने, फिर भी सिखा दिया हर हाल में जीना हर पल को जीना, फिर भी सिखा दिया हर हाल में जीना हर पल को जीना, अपने लिए के लिए। माँ पर कविता सुनाई है तो माँ पर ही एक और रचना है। हर बेटे की इच्छा होती है कि वो अपने माँ जैसी हो, लेकिन माँ जैसा होना बहुत कठिन है। माँ मैं न हो पाई तुम जैसी, माँ मैं न हो पाई तुम जैसी, चाह कर भी नहीं कर पाई संचित तुम सा धैर्य, नहीं कर पाई संचित तुम सा धैर्य, हो जाती हूँ मुखर या शायद थोड़ी सी कटु तिक्त भी, हो जाती हूँ मुखर या शायद थोड़ी सी कटु तिक्त भी, कभी कभी नहीं कर पाती मुआफ दिल से, नहीं कर पाती मुआफ दिल से, भले ही कर लूं दिखावा, भले ही कर लूं दिखावा, भले न लूं प्रतिशोध, लेकिन माँ जाने क्यों मैं नहीं हो पाती तुम जैसे, मैं नहीं हो पाती तुम जैसे, क्या करें समय ही ऐसा है, उतना धैर्य नहीं आ पाता, क्योंकि हम जो स्थिति देख रहे हैं उसमें जो हमने बचपन से सुना, जो हमारे जिन आदर्शों संस्कारों को सुनकर बड़े हुए, वो सब नहीं चल रहे हैं। कहते हैं कि सच की ही जीत होती है, लेकिन सच की जीत इतनी देर से होती है कि तब तक जो सच बोलने वाला है वो पता नहीं कहाँ होता है, वो होता भी है नहीं। सच बोला है ना मारे जाओगे, सच बोला है ना मारे जाओगे, तुम सच्चे हो सबूत कहाँ से लाओगे, तुम सच्चे हो सबूत कहाँ से लाओगे, सच बोला है ना मारे जाओगे, वो तो तुमको झूठा साबित कर देंगे, वो तो तुमको झूठा साबित कर देंगे, झूठ को ही अपना हथियार बना लेंगे, शब्द तुम्हारे ही फिर उनके साथ खड़े होकर तुमको ही एक दिन वो चोट पहुंचाएंगे, तुम्हारे ही शब्दों को घुमा फिरा कर ऐसे करेंगे कि उन्हीं शब्दों से तुम्हें चोट पहुंचा देंगे, तुम सच सच कहकर चिल्लाओगे, वो झूठा कह अट्टहास लगाएंगे, झूठ के नीचे दब जाएगी फिर सच की आवाज, और वो झूठ का परचम ऊंचे तक लहराएंगे, वो छीन लेंगे तुमसे तुम्हारे अपनों को, और उनको ही वो झूठ के पहने हथियार थमा देंगे, वो खुद हो जाएंगे दूर कहीं इस मंजर से,
और बन तमाशबीन नाटक का लुत्फ उठाएंगे। वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, देख तुम्हारी दर्दीली मौत, दिखावा दिखावा होगा। वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, देख तुम्हारी दर्दीली मौत, और लगाएंगे कह कहे उन अपनों संग जिनके साथ रचाया था षड्यंत्र तुम्हारी बर्बादी का। क्योंकि अब तुम खुद को सच साबित ना कर पाओगे, अब तुम खुद को सच साबित ना कर पाओगे, अब तुम कभी लौट कर यहाँ नहीं आओगे, अब तुम कभी उनसे आगे दौड़ नहीं पाओगे, अब तुम फिर से कोई सच बोल नहीं पाओगे। सोच लो तुम, सच बोला है ना, मारे जाओगे, सच बोला है ना, मारे जाओगे। अभी कोरोना काल में हालांकि हम लोगों का अभिमान बहुत टूटा है, जो हम अपने आप को सोच रहे थे पता ही नहीं क्या है, तो इंसान है सबसे पावरफुल है, लेकिन बहुत कुछ बहुत हम हार गए, लेकिन फिर भी हार स्वीकार करना हमें आता ही नहीं ना। हे मानव, बड़ा दर्द था तुझे तो, जीत लिया तूने ब्रह्मांड को। हे मानव, बड़ा दर्द था तुझे तो, जीत लिया है तूने ब्रह्मांड को। जा पहुंची थी तेरी उड़ान मंगल तक, जा पहुंची थी तेरी उड़ान मंगल तक। समझने लगा था खुद को ही ईश्वर, समझने लगा था खुद को ही ईश्वर, समझने लगा था खुद को ही ईश्वर, बन गया था सृष्टा कुछ आविष्कारों के आधार पर। देख लिया तूने, देख लिया तूने कितना बोना हो गया है तू। तुझे लगता था हिल भी नहीं सकता एक पत्ता तेरे बिना, तुझे लगता था हिल भी नहीं सकता एक पत्ता भी तेरे बिना। संचालक है तू ही समूची सृष्टि का, तुझे लगता था हिल भी नहीं सकता एक पत्ता भी तेरे बिना। संचालक है तू ही समूची सृष्टि का, बन रहा था मित्र दिखावे भर को प्रकृति का, बन रहा था मित्र दिखावे भर को प्रकृति का। देख जरा आंखें खोलकर, देख जरा आंखें खोलकर, तेरे चलने से नहीं तेरे रुकने से सांस आता है उसे, तेरे चलने से नहीं तेरे रुकने से सांस आता है उसे, तेरे हटाने से नहीं तेरे हटने से छंटते हैं धुएं के बादल, तेरे हटाने से नहीं तेरे हटने से छंटते हैं धुएं के बादल, तेरे उतरने से नहीं तेरे दूर रहने से होता है स्वच्छ नदियों का जल, तेरे उतरने से नहीं तेरे दूर रहने से होता है स्वच्छ नदियों का जल, तेरे यंत्रों के प्रयोग से नहीं उन्हें रोकने से हो सकती है हवा फिर से निर्मल, तेरे यंत्रों के प्रयोग से नहीं उन्हें रोकने से हो सकती है हवा फिर से निर्मल। अब भी समय है, अब भी समय है, छोड़ दे अभिमान, लगा लगाम अपनी बेलगाम महत्वाकांक्षाओं को, और जाने से पहले निश्चित कर सुरक्षित संरक्षित करना एक खूबसूरत दुनिया, सुरक्षित संरक्षित करना एक खूबसूरत दुनिया आने वाली नस्लों के लिए। फिर कहना खुद को इंसान, फिर कहना खुद को इंसान। अब इसके फौरन बाद खैर अपनी रचनाएं सभी को अच्छी लगती हैं, क्योंकि एक रचनाकार की रचनाएं उसके संतान के समान होती है। तो अपने बच्चों में से किसको वो ये कहे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है या मुझे बहुत प्यारा है, कौन सा है जो उसे कम प्यारा है? ये 50 साल की औरतें, ये 50 साल की औरतें घर और बाहर दोनों मोर्चों पर जूझती, भूल गई है कब से खुद को ही, दोनों मोर्चों पर जूझती भूल गई है कब से खुद को ही। ये 50 साल की औरतें लोन की किस्तें चुकाती उस घर के लिए जो कभी न था न होगा उनका, लोन की किस्तें चुकाती उस घर के लिए जो कभी न था न होगा उनका, फिर भी एक एक पैसा बचाती, एक एक पैसा बचाती। ये 50 साल की औरतें बेटियों के ब्याह की चिंता लिए दहेज के लिए पैसे जुटाती, एक भली सी बहू का सपना देखती, एक भली सी बहू का सपना देखती, खुद को उसके अनुसार ढालने को खुद को तैयार करती। ये 50 साल की औरतें कुछ नाती पोतियों को पार्क में घुमाती शाम को उंगली थामे, कुछ नाती पोतियों को पार्क में घुमाती शाम को उंगली थामे, अपने घुटने का दर्द भूल बच्चों में खुद को रमाती। ये 50 साल की औरतें अपना बीपी शुगर थायराइड अपने ही भीतर लिए
कभी दवाओं से दबाती, कभी बिना जिक्र छिपाती, घड़ी की सुई के साथ निरंतर भागती। ये 50 साल की औरतें, घड़ी की सुई के साथ निरंतर भागती। ये 50 साल की औरतें, कभी पूनम एकादशी मनाती, व्रत उपवास भजन कीर्तन में अपने भीतर के दुख को भुलाती। परिवार में मिले अपमान के कड़वे घूंट को शिवजों कंठ में धारण किए, मुख से मीठे बोल से बतियाती। परिवार में मिले अपमान के कड़वे घूंट शिव के जो कंठ में धारण किए, मुख से मीठे बोल बतियाती। मन में थार लिए मीठे झरने सी स्नेह का अमृत बरसाती। ये 50 साल की औरतें, कुछ पल चोरी से चुपके से जीती हुई अपने लिए, कुछ पल चोरी से चुपके से जीती हुई अपने लिए, कभी कभी हंस लेती, बतिया लेती खुद से ही। ये 50 साल की औरतें, कभी कभी आईने में देख उम्र की लकीरें, कभी कभी आईने में देख उम्र की लकीरें, बतिया लेती खुद से ही। कभी कभी आईने में देख उम्र की लकीरें, बालों की चांदनी मुस्कुरा लेती हल्के से, याद कर कुछ सुनहरे जिए अनजिए पल। ये 50 साल की औरतें, ये 50 साल की औरतें। महिलाओं की बात चली है तो स्त्री शीर्षक से मेरी अभी इन्हीं दिनों में लिखी थी एक रचना, मैं सुना रही हूँ। स्त्री स्त्री कुछ नहीं बोलती है अक्सर, हम लोग बात बात जब भी कभी बात करते हैं हम ये कहते हैं मेरी याददाश्त बड़ी खराब है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता, मैं तो भूल जाती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बात करती कर रही थी, अब क्या बात कर रही, मुझे तो याद भी नहीं रहता। लेकिन स्त्री कुछ नहीं भूलती, सब कुछ याद रहता है उसे। स्त्री स्त्री नहीं भूलती कुछ भी, स्त्री नहीं भूलती कुछ भी। रोटी बेलते बेलते भी वॉशिंग मशीन संभाल लेती है, रोटी बेलते बेलते भी वॉशिंग मशीन संभाल लेती है। खाना खाते खाते भी याद रहता है सास ससुर की दवा के साथ दूध जूस देना, खाना खाते खाते भी याद रहता है सास ससुर की दवा के साथ दूध जूस देना। बच्चों को पढ़ाते हुए भी ले आती है कपड़े उतार कर अर्गनी से, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते भी ले आती है उतार कपड़े अर्गनी से। सुनकर बारिश की हल्की झिरमिर, बर्तन मलते मलते जमा देती है सुबह के लिए दही। बर्तन मल रही है, अचानक याद है अरे जावन भी देना था, चट से दौड़ती है वो बीच में वो काम करके आती है। सोने से पहले कर देती है इंतजाम सुबह की सब्जी का, सोने से पहले कर देती है इंतजाम सुबह की सब्जी का। स्कूल या ऑफिस में काम करते करते भर देती है बिजली पानी के मोबाइल के बिल। लौटती हुई जल्दी में भी नहीं भूलती खत्म होने को आया राशन का सामान। स्त्री नहीं भूलती, स्त्री नहीं भूलती अपनों के जन्मदिन शादी की वर्षगांठ, याद रहता है उसे किसे कब और क्या, किसे कब क्या और कैसा देना है उपहार। स्त्री नहीं भूलती, स्त्री नहीं भूलती अपना मायका वो घर वो बचपन, वो बचपन के साथी और खिलौने। स्त्री नहीं भूलती माता पिता भाई बहन को, याद है उसे हर छोटी छोटी मीठी कड़वी बात, याद है उसे हर छोटी छोटी मीठी कड़वी बात। स्त्री नहीं भूलती वो छोटा सा ताना, स्त्री नहीं भूलती वो छोटा सा ताना जो सुना उसने मायके के लिए। वो हर पल का याद दिलाया गया एहसास कि नहीं है कोई भी घर उसका, न घर न पति न बच्चे। स्त्री नहीं भूलती, स्त्री नहीं भूलती कुछ भी, फिर भी निभाती है हर रिश्ता, फिर भी निभाती है रिश्ता। बंधी रहती है एक डोर से जो इतनी कमजोर है कि टूट जाए जरा से खिंचाव से, जो इतनी कमजोर है कि टूट जाए जरा से खिंचाव से। शायद इसीलिए स्त्री झेल लेती है हर खिंचाव अपने पर, शायद इसीलिए स्त्री झेल लेती है हर खिंचाव अपने पर। भूल कर कड़वे बोल हर अपमान, भूल कर कड़वे बोल हर अपना अपमान। अभी क्या हुआ, पिछले दिनों हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, समझ में नहीं आया, इतने तो कभी खाने पीने में भी लापरवाही नहीं की थी, ऐसा क्यों हुआ। फिर एक थोड़ा सा जिस क्षेत्र में थोड़ी सी जुड़ गई हूँ तो उसी के अनुसार सोचना शुरू किया,
कुछ रिश्ते, कुछ यादें, कुछ बातें जब नहीं की जाए ब्लॉक। कुछ रिश्ते, कुछ यादें, कुछ बातें जब नहीं की जाए ब्लॉक, तो धीरे धीरे ले लेती है रूप यही दिल में ब्लॉकेज का। तो ले लेती है रूप यही दिल में ब्लॉकेज का। शायद तो वैसे मैं पता नहीं लोग किस तरह से लिख लेते हैं। अभी इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं मजदूरों के लिए, किसान किसानों के लिए। हम अब अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना इतना अच्छा नहीं लिख पाती। लेकिन फिर भी कोशिश की है एक मजदूर औरत के लिए, जिसे देखकर सच में ऐसा लगा कि हाँ, बस जो कि मन में आया लिखा शरबती। तो अपनी तरफ से सोचा इसका नाम, शायद इसका नाम शरबती होगा, मुझे नहीं मालूम उसका नाम क्या था, लेकिन उसे देखकर मुझे लगा कि इसका नाम शरबती होना चाहिए। शरबती, शरबती की शरबती आंखों में पला ही न था कभी कोई सपना। शरबती की शरबती आंखों में पला ही न था कभी कोई सपना। न पैरों में जमीन का, न सर पे आसमान का, न पैरों में जमीन का, न सर पे आसमान का, बिन माँ के पले न जान पाई क्या है ने, बिन माँ के पली न जान पाई क्या है ने, न सोई किसी गोद में, न लिपटी किसी आंचल में, न सोई किसी गोद में, न लिपटी किसी आंचल में, ब्याह कर भी कहाँ देखा सुख का पल, ब्याह कर भी कहाँ देखा सुख का पल, लेकिन जब आंचल में अपने पाया अपनी ही छाया को, पलने लगा आंखों में पहला पहला नाजुक सपना। पलने लगा पहला पहला नाजुक सपना, चल पड़ी मेहनत से जोड़ने को तिनका तिनका। बनाएगी वो नन्हा सा नीड़, बनाएगी वो नन्हा सा नीड़, पलेगी जिसमें नन्ही सी लाडो, जलाएगी दीप शिक्षा का, जलाएगी दीप शिक्षा का, नहीं जिएगी शरबती सा जीवन, नहीं जिएगी शरबती सा जीवन, बस यही स्वप्न ले लगी है लग्न से, बस यही स्वप्न ले लगी है लग्न से, बदलने को अपनी आंखों में पलते स्वप्न को सच में, अपनी आंखों में पलते स्वप्न को सच में। महिला पर ही एक और है कि जैसे थोड़ी देर पहले मैं स्त्री कविता में कहा था कि उसका अपना कोई भी घर नहीं है, सच में चाहे वो अपनी कमाई से अपने पैसों से भी घर बना ले, लेकिन उसका अपना घर नहीं है मन मलंग। लेकिन पर स्त्री का ऐसा है कि वो कहीं से भी खुशी तलाश कर लेती है, कितनी मेहनत करेगी, कितने कष्ट सहलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो मुस्कुराने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है। मन मलंग नित घूमती एक ही धुरी पर, नित घूमती एक ही धुरी पर, धरा जूं काटती अपने ही सूरज के चक्कर, धरा जूं काटती अपने ही सूरज के चक्कर, नित्य निरंतर कब दिन चढ़े कब रात ढले, न अनजान न बेखबर, फिर भी संस्कारों की धुरी पर परिवार के इर्द गिर्द निरंतर परिभ्रमण करते, कभी कभी किसी पर सुनी सुन कोई अनसुनी बांसुरी की धुन। परिवार के इर्द गिर्द नित निरंतर परिभ्रमण करते, कभी कभी किसी पल सुन कोई अनसुनी बांसुरी की धुन। हो जाता है मन मलंग, हो जाता है मन मलंग, चढ़ जाता है मटमैले दुपट्टे पर कोई राता रंग, चढ़ जाता है मटमैले दुपट्टे पर कोई राता रंग, और बस वो एक पल जाने कितने पल कर जाता है सुनहरे रुपये, और बस वो एक पल जाने कितने पल कर जाता है सुनहरे रुपये। इसके साथ में एक छोटी सी नन्ही सी कविता है, मैं सोच रही हूँ उसको पढ़ते, एकदम इत्तू सी कविता है। अधूरा प्यार, अधूरा प्यार जो धड़ा धरा पर उमड़े, अधूरा प्यार जो धरा पर उमड़े घनघोर मेघ, अधूरा प्यार जो धरा पर उमड़े घनघोर मेघ, और लौट जाए बिन बरसे ही, और लौट जाए बिन बरसे ही। रचना है कि जिससे इंसान महसूस करता है उसके जीवन में आने वाले परिवर्तनों को, तो
हम ये मान के चलते हैं कि पेड़ पौधे वो भी जीवित हैं, वो भी शायद ऐसा कुछ महसूस करते होंगे, या ये मान कर चलें कि पेड़ों के एहसास के द्वारा मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इंसान को भी कुछ ऐसा महसूस होता होगा। एहसास, पेड़ को एहसास तो होता ही होगा पतझड़ का, पेड़ को एहसास तो होता ही होगा पतझड़ का, जब हवा चलने पर भी सरसराहट नहीं होती, जब हवा चलने पर भी सरसराहट नहीं होती दिल के नजदीक, सुनाई देती है तो बस सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट, सुनाई देती है तो बस सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट, नहीं चहचहाती गोरैया, नहीं चहचहाती गोरैया, नहीं गाती कोयल, नहीं खेलते बच्चे आंख मिचोने, नहीं खेलते बच्चे आंख मिचोने छुपकर शाखाओं में, नहीं दौड़ती गिलहरी डालियों पर, नहीं दौड़ती गिलहरी डालियों पर, एक अजब सी साए साए, एक अजब सी साए साए, एहसास तो कराती ही होगी ना, एहसास तो कराती ही होगी ना पेड़ को पतझड़ का। एक वैसा ही आमतौर पर बात की जाती है कि औरत का मन कब चाहा तुमने पढ़ना। कहते कि स्त्री को समझना बड़ा कठिन है, समझना कठिन नहीं है, समझने का कभी प्रयास किया गया हो तभी समझ पाओगे ना। औरत का मन कब चाहा तुमने पढ़ना, अक्षर अक्षर कहाँ था तुमने इतना धैर्य, कहाँ था तुमने इतना धैर्य, बस लगाते रहे अनुमान लिफाफे को देखकर भीतर की लिखावट का, बस लगाते रहे अनुमान लिफाफे को देखकर भीतर की लिखावट का, तुम करते रहे और वो होती रही परिभाषित, तुम करते रहे और वो होती रही परिभाषित खामोशी से। और जब कभी चाहा औरत ने खोलना मन की परतों को, और जब कभी चाहा औरत ने खोलना मन की परतों को, खो दिया तुमने रहा सा धैर्य, खो दिया तुमने रहा सा धैर्य, और फिर से कर दिया बंद लिफाफा, और फिर से कर दिया बंद लिफाफा औरत ने मन का, और फिर से कर दिया बंद लिफाफा औरत ने मन का। तक तू दे रही हो तुम दिल के द्वार पर, पट खोल भी दूं शायद मैं इस पुकार पर, दिल में समाना है तो ही द्वार खटखटाओ, दिल में समाना है तो ही द्वार खटखटाओ, जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ, जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ, तुम चाहो तो बनू मैं राधा या कोई मीरा, तुम चाहो तो बनू मैं राधा या कोई मीरा, क्या शाम तुम बनोगे समझोगे मेरी पीड़ा, ज्योति से दिल मिलाओ मेरी जिंदगी में आओ, जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ, जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ, ना मुझसे आस रखो बन जाओ यशोधरा में, ना मुझसे आस रखो बन जाओ यशोधरा में, तुम अपने ज्ञान धुन में चल दो कहीं निशा में, जो मुझसे प्रेम है तो आओ करीब आओ, जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ, जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ, मैं प्यासी मरुधरा हूँ तुम श्याम नेह घन हो, मैं प्यासी मरुधरा हूँ तुम श्याम नेह घन हो, चाहत है एक दबी सी सावन मेरा सजन हो,
जाओ प्राण मेरे और मुझ पे बरस जाओ, जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ, जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ। छोटी सी और कविता है। मैं नदी लांग कर सारी बाधाएं आ मिली तुमसे। मैं नदी लांग कर सारी बाधाएं आ मिली तुमसे। ओ सागर मैं भरी भरी रीत जाना चाहती थी तुम्हें। ओ सागर मैं भरी भरी रीत जाना चाहती थी तुम्हें। हो जाना चाहती थी हवा सा हल्का, लेकिन हो गई हूँ और भी ज्यादा बोझिल। लेकिन हो गई हूँ और भी ज्यादा बोझिल। काश मैं तुमसे ना मिलती, काश मैं तुमसे ना मिलती। करती नर्तन धरा पर हो जाती कितनी हरी भरी धरा की गोद। हो जाती कितनी हरी भरी धरा की गोद। शायद मिल जाता इसी से मुझे मोक्ष, शायद मिल जाता इसी से मुझे मोक्ष। अपने विचार होते हैं किसी के लिए, कोई बहुत भारी भरकम कविताएं लिखते हैं। मैं बहुत हल्की हल्की नन्ही नन्ही सी कविताएं लिखती हूँ, बहुत नाजुक नाजुक ख्यालों की। तो मेरा कविता के बारे में जो विचार है वो भी मेरी छोटी सी रचना में। कविता कविता कुछ हल्की तितलियों के परोसी, कविता कुछ हल्की तितलियों के परोसी। फूलों की पंखुड़ियों सी, इत्र की महक सी, हवा के परों पर सवार। कुछ हल्की तितलियों के परों सी, फूलों की पंखुड़ियों सी, इत्र की महक सी, हवा के परों पर सवार। कानों को छू जाए वो बातें तो बन जाए कविता। ढल जाए शब्दों में लेकर कोई आकार, ढल जाए शब्दों में लेकर कोई आकार किसी ख्वाब का, और उसमें भर दे कुछ रंग सुनहरे रुपहले तो बन जाए कविता। और उसमें भर दे कुछ रंग सुनहरे रुपहले तो बन जाए कविता। अब वही महिलाओं पर एक और कविता है। औरतें मिटा देती हैं अपना अस्तित्व, औरतें मिटा देती हैं अपना अस्तित्व संभालने में रिश्ते, संभालने में रिश्ते। रिश्ते जो नहीं हो सकते कभी भी उसके अपने, रिश्ते जो नहीं हो सकते कभी भी उसके अपने, फिर भी मंदिर में रखी प्रतिमाओं के जैसे, मंदिर में रखी प्रतिमाओं के जैसे मनाती हैं मनुहार से, चढ़ाती हैं अश्रु पुष्प भी। बस बने रहें वो उसके घर मंदिर में, बस बने रहें वो उसके घर मंदिर में, भले ही पाषाण बनकर, भले ही पाषाण बनकर। एक और कविता है जो बड़ी मेरी काफी फेवरेट है, और मेरे भाई साहब ने भी इसको अपनी आवाज दी थी, और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था एक बार। तो उनके जैसे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। जब तुम रच रहे थे साजिश, जब तुम रच रहे थे साजिश मेरे खिलाफ, सो रही थी मैं बेखट के। हम नहीं सो सकते ऐसा कि कोई हमारे खिलाफ ऐसा कर रहा होगा, इसलिए हम बड़े अपने मासूमियत से अपना जीवन बिताते हैं। जब तुम रच रहे थे साजिश मेरे खिलाफ, सो रही थी मैं बेखट के। जब तुम अपनी सारी शक्ति लगा रहे थे अगला दाव सोचने में, मैं फूलों को सींच रही थी बतिया रही थी, मैं फूलों को सींच रही थी बतिया रही थी। जब तुम मुझको बेघर करने के मंसूबे बांध रहे थे, जब तुम मुझको बेघर करने के मंसूबे बांध रहे थे, मैं नन्ही गोरैया के घोंसलों से गिरे तिनके बटोर रही थी। मैं नन्ही गोरैया के घोंसलों से गिरे तिनके बटोर रही थी। न जाना पड़े उसे दूर फिर से इनकी तलाश में, न जाना पड़े उसे दूर फिर से इनकी तलाश में। जब तुम मेरी मौत के साधन जुटा रहे थे, जब तुम मेरी मौत के साधन जुटा रहे थे, मैं कोयल संग गीत कोई गुनगुना रही थी, मैं कोयल संग गीत कोई गुनगुना रही थी। आज तुम अवसाद में डूबे हुए हो, आज तुम अवसाद में डूबे हुए हो। मैं आज भी खोई हूँ निहारने में खूबसूरत तितलियों के पर, मैं आज भी खोई हूँ निहारने में खूबसूरत तितलियों के पर। योगिता की फरमाइश का जो गीत है वो सुना देती हूँ।
दरअसल क्या है, ये वैसे राजस्थानी गीत है। दरअसल इन दिनों में जब कोरोना का ये प्रकोप चल रहा था, तो थोड़ा सा कुछ मजाक जैसा बन गया था कि ज्यादातर आदमी जेंट्स लोग काम कर रहे हैं घर में, हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मैंने सोचा जरा इसको थोड़ा सा चुटीले अंदाज में पेश करने की कोशिश की जाए। तो एक हस्बैंड है जो अपनी वाइफ से कह रहे कि देखो मैं सारा काम कर रहा हूँ, काम वाली वाइफ तो आ नहीं रही है, काम जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे जो पगार उसको देते वो मुझे दे। तो खैर हंसी की बात है कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो सिर्फ आनंद के लिए। सुन जो ओ रसवंती म्हारी नार, पगार म्हाने काई मिलसी। सुन जो ओ रसवंती म्हारी नार, पगार म्हाने काई मिलसी। दफ्तर की छुट्टी है तो भी पोफाटे उठ जाऊं, दफ्तर की छुट्टी है तो भी पोफाटे उठ जाऊं। कितनो लंबो पेंडो कर गए दूधर सब्जी ल्याऊं, कितनो लंबो पेंडो कर गए दूधर सब्जी ल्याऊं। घर आते ही बनाऊं थारी चाय, पगार मने कहीं मिलसी। प्रमोद कुमार शर्मा, अब क्या हुआ कि काम काम देखो कितना सारा किया है। फ्रिज में रखियो दूध, देखो गैस पे दियो चढ़ाए। फ्रिज में रखियो दूध, देखो गैस पे दियो चढ़ाए। कपड़ा धोवण खातिर दे वॉशिंग मशीन चलाए, कपड़ा धोवण खातिर दे वॉशिंग मशीन चलाए। घर का बर्तन सारा ओ घर का बर्तन सारा ले धुलवाए, पगार मने कहीं मिलसी। सुन जो रसवंती मारी नार, पगार मने कहीं मिलसी। अब देखो काम तो किया लेकिन किया कैसा। काई करो थे दूधर लासी सागे दे रलाए, काई करो थे दूधर लासी सागे दे रलाए। नीला पीला धोला गापा सागे दिया चलाए, नीला पीला धोला गापा सागे दिया चला। म्हारी नुई क्रोकरी ओ म्हारी नुई क्रोकरी तोड़ दी गिराए, पगार थने क्यांगी मिलसी। मारी नुई क्रोकरी तोड़ दी गिराए, पगार थने क्यांगी मिलसी। सुन जो मारा भोला भर तार, पगार थने नहीं मिलसी। सुन जो ओ मारा भोला भर तार, पगार थने नहीं मिलसी। सुना देती हूँ, ये भी मुझे बड़ी पसंद है। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़े हैं और हम लोग बहुत चाहते हैं कि बेटियों के बारे में बहुत कुछ सोचें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ हम बेटियों को उनको कोई शिक्षा ना दें। उनके लिए भी जरूरी है कि वो भी स्ट्रोंग हो, सिर्फ उसको हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना ले लें कि जो कुछ भी हमें मिले सहज सरल बस मिले, सिर्फ मिले, सिर्फ हमारे अधिकार हो, हमारा कोई कर्तव्य तो है ही नहीं। पहले हम अपने कर्तव्यों को निभाने के बारे में सोचें, उसके बाद अधिकारों की बात करें। तो पापा की राजकुमारी, हर बेटी पापा की राजकुमारी होती है, लेकिन राजकुमारी किसी? माना तुम पापा की राजकुमारी हो, माना तुम पापा की राजकुमारी हो, तो पढ़ो और सीखो। इतिहास से वर्तमान तक राजकुमारियों ने भी नहीं जिया जीवन फकत फूलों सा। माना तुम पापा की राजकुमारी हो तो पढ़ो और सीखो। इतिहास से वर्तमान तक राजकुमारियों ने भी नहीं जिया जीवन फकत फूलों सा। उन्होंने भी ढाला खुद को फौलाद में, उन्होंने भी ढाला खुद को फौलाद में। कभी जिया जीवन तपस्विनी की तरह सीता और द्रौपदी जो, तो कभी लड़े संग्राम दुर्गावती और लक्ष्मीबाई बन। कभी स्वीकार किया जौहर आत्मसम्मान की खातिर, तो कभी भिड़ बैठी यमराज से ही सत्यवान के जीवन के लिए। कभी कल्पना तो कभी सुनीता बन उड़ान भरी अंतरिक्ष तक, कभी कल्पना तो कभी सुनीता बन उड़ान भरी अंतरिक्ष तक। तो कभी मैरी कॉम तो कभी गीता फोगाट बन दिखाती जौहर खेल के मैदान में।
तो कभी गीता फोगाट बन दिखाती जोहर खेल के मैदान में, तो कभी तनुश्री पारिक बन, हम बीकानेर से हैं तो बीकानेर की यदि तनुश्री पारिक का जिक्र नहीं हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो कभी तनुश्री पारिक बन करती हैं सीमाओं की चौकसी, इसलिए बेटियों यदि हो तुम पापा की राजकुमारी, इसलिए बेटियों यदि हो तुम पापा की राजकुमारी तो पढ़ो और सीखो इतिहास से वर्तमान तक, क्या होता है पापा की राजकुमारी होना, क्या होता है पापा की राज। एक रचना मेरी जीवन की संध्या को लेकर, ये भी मैंने एक वृक्ष के माध्यम से ही कहने की कोशिश की है। अंतिम उपदेश। पतझड़ पेड़ों से झड़ते पीले पीले पत्ते, पतझड़ पेड़ों से झड़ते पीले पीले पत्ते, वहीं जहाँ एक और पतझड़ है पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं और दूसरी ओर उसी के फौरन बाद ही नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते, वहीं पेड़ों पर धीरे धीरे आकार लेते नव किस्लय, मानो लीन है किसी परिचर्चा में, मानो लीन है किसी परिचर्चा में, कह रहे हो मानो कर रहे हो मानो अनुनय विनय, कर रहे हो मानो अनुनय विनय, जाने को आतुर झर झर झरते पीत पर्णों से, झर झर झरते पीत पर्णों से, शायद रुक जाने को, और शायद जो नव किसले हैं वो रुकने के लिए अनुनय विनय कर रहे हैं, और शायद जाने को आतुर पीत पर्ण दे रहे अंतिम उपदेश, और शायद जाने को आतुर पीत पर्ण दे रहे अंतिम उपदेश नव पल्लव को, रहना हरे भरे, रहना हरे भरे जब तक जुड़े हो तरु शाख से, रहना हरे भरे जब तक जुड़े हो तरु शाख से, और फिर कर लेना स्वीकार एक दिन तरु से बिछो, और फिर एक दिन कर लेना स्वीकार तरु से बिछो, स्वयं ही अपना लेना वैराग्य, अपना लेना वैराग्य, छोड़ देना हरितिमा अपना लेना पीत वस्त्र, छोड़ देना हरितिमा अपना लेना पीत वस्त्र, और कर लेना तैयारी उस महाप्रयाण की, और कर लेना तैयारी उस महाप्रयाण की, उस आखिरी मंजिल की, नहीं आना लौट कर जहां से, नहीं आना लौट कर जहां से, कभी भी कैसे भी, कभी भी कैसे भी। मानवता पर एक छोटी सी कविता, ये कुछ लयबद्ध जैसी है, वरना तो लयबद्ध तो मैं कम ही लिख पाती हूँ। मन की पीड़ समझ लेना है मानवता, मन की पीड़ समझ लेना है मानवता, सबका सिर समझ लेना है मानवता, सबका सिर समझ लेना है मानवता। पैसों का अंबार भले ही भला लगे, पैसों का अंबार भले ही भला लगे, दिल से अमीर समझ लेना है मानवता, दिल से अमीर समझ लेना है मानवता। नेकी करके पीछे ना मुड़कर देखे, नेकी करके पीछे ना मुड़कर देखे, मस्त फकीर समझ लेना है मानवता, मस्त फकीर समझ लेना है मानवता। तन मन टूटा बिखरा हो तो हो साथी, तन मन टूटा बिखरा हो तो हो साथी, जिंदा जमीर समझ लेना है मानवता, जिंदा जमीर समझ लेना है मानवता। परोपकार करने को सीने पर ले ले, परोपकार करने को सीने पर ले ले, उड़ता तीर समझ लेना है मानवता, उड़ता तीर समझ लेना है मानवता। जा सकती हूँ चलने की, फिर कभी फिर आपसे मिलूंगी।